और फिर प्यारे बच्चियों किवें हो तुसी बहुत वधिया पढ़ते लिख रहे हो ना बच्चियों अज मैं तुहाडे तो एक सवाल पुछदी हां वेखो तुहाडे कई दोस्त होणगे पर सच्चे ते चंगे किन्ने ने तुसी जरूर सोच रहे होवोगे कि मेरे सारे दोस्त चंगे ने पर बच्चियों नाल घूमण खेडण खाण पीण नाल सारे दोस्त सच्चे होण ये जरूरी नहीं है इसलिए अज मैं तुहानू एक कहानी सुणाउंदी हां जिस राही तुसी जान सकोगे कि चंगे दोस्त किवें पछाणे जांदे ने जां तुसी अपने दोस्तां दे चंगे दोस्त किवें बन सकदे हो इस कहानी नू ध्यान नाल सुनो बहुत समा पहला दी गल है रवि ते मुकेश दो दोस्त सन ते दोवें हमेशा एक दूजे दे काम आउंदे एक बार वह दोवें अपने तीजे दोस्त नू एक दूर दे पिंड विच मिलन जा रहे सन रस्ते विच एक संघना जंगल पैंदा सी जदों वह तुरदे हुए जंगल विच पहुंचे तो वह रस्ता ही भुल गए जंगल विच दोवां नू यह महसूस होण लग्या कि वह गुम हो गए ने हौली हौली सूरज छिप रहा सी ते हनेरा भी वध रहा सी दोवें दोस्त डरन लग पे ते फिर उन्होंने एक भालू नू उन्हां दे नेड़े आउंदे वेख्या दोवें भालू नू वेख के डर गए रवि नू दरख्त ते चढ़ना आउंदा सी ओह भालू नू वेख के दरख्त ते चढ़ गया जदकि मुकेश नू दरख्त ते चढ़ना नहीं आउंदा सी ओह उत्थे ही खड़ा रहा ते रवि ने भी उस समय मुकेश दी मदद करन दी कोई कोशिश भी नहीं कीती भालू मुकेश दे सामने खड़ा सी मुकेश नू लगन लग्या कि भालू उसनू मार देवेगा फिर उसके दिमाग विच एक विचार आया वह तुरंत जमीन ते लेट गया ते अपना सां रोक लिया उसने एक मरे हुए आदमी दे वांग टोंग करना शुरू कर दिता उसने किते सुनिया सी कि भालू मरे हुए लोकां ते हमला नहीं करदे भालू जमीन ते पए मुकेश दे कोल गया ते उसनू सुंघण लग्या भालू नू लग्या ए मर गया है भालू मुकेश नू मरिया समझ के अगे चला गया ते जदों भालू बहुत दूर चला गया रवि दरख्त तों हेठा उतरिया ते मुकेश दे कोल आया उसने पुछया भालू ने तेरे कन्न विच की कहा मेरे दोस्त मुकेश ने जवाब दिता उसने मैनू अजे दोस्त ना बनाउण दी सलाह दिती है जो खतरे दे समय मैनू छड्ड देण रवि नू अपनी इस हरकत दा बहुत पछतावा होया ते ओ सिर झुका के खड़ा हो गया ते मुकेश उत्थों अपने घर परत आया बच्चियों एक कहानी सानू सिखाउंदी है कि असल दोस्त सिर्फ बुरे समय विच जाने जांदे ने मुसीबत विच जरूरत दे समय जो तुहाडी मदद करे ता समझो कि ओ तुहाडा सच्चा दोस्त है इसलिए हुण भी हमेशा अपने दोस्तां दी औखे समय विच मदद जरूर करना ता जो चंगे ते सच्चे दोस्त बनन ते हुण मैं चलदी हां फिर आवांगी नवी कहानी लेके।